टाइटल आकाशीय पुतली। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में रहता था एक छोटा सा लड़का, नाम था अर्जुन। अर्जुन का सपना था कि उसे आकाश से गिरी हुई सितारों का एक चमकता हुआ पुतला मिले। और फिर एक रात जब आसमान में चांदनी की किरणें बिखर रही थीं, अचानक आकाश से एक पुतला नीचे गिरा। अर्जुन ने उस पुतले को उठाया और देखा कि यह किसी मायावी शक्ति से भरा हुआ है। पुतले ने कहा, तुम्हारी मांग है कि मैं तुम्हें 3 इच्छाएं पूरी करूं, लेकिन सोच समझ कर मानना, क्योंकि एक बार मेरी सेवा ले ली तो वापस नहीं हो सकता। अर्जुन को सोचने का समय मिला। पहली इच्छा यह है कि मेरे गांव को सुख शांति से भरा रहे। जैसे ही उसने यह कहा, गांव में हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लोग खुश और संपन्न हो गए। पुतले ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी पहली इच्छा पूरी हो गई। अर्जुन ने दूसरी इच्छा के बारे में सोचने लगा और कहा, मेरी दूसरी इच्छा यह है कि मैं दुनिया को और भी सुंदर बना सकूं। इस पर गांव के आसपास की प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ गई। फूलों ने खिले और हर जगह हरियाली फैल गई। पुतले ने एक बार फिर हंसते हुए कहा, तुम्हारी दूसरी इच्छा भी पूरी हो गई, अब आखिरी इच्छा का समय आया। एक अर्जुन ने सोचा और कहा, मेरी आखिरी इच्छा यह है कि तू खुद एक जीवित पुतला बन जाए और मेरे साथ रहे हमेशा। पुतला ने अर्जुन की आंखों में देखा और बोला, तुम्हारी इच्छा पूरी होते ही मैं इस पुतले से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे दिल में मेरी याद रहेगी। इतना कहकर पुतला जीवन की ऊंचाइयों से उतरता हुआ अर्जुन के पास आया और उसके हृदय में समाहित हो गया। गांव में एक अद्वितीय सुंदरता और सामंजस्य हो गई, लेकिन अर्जुन ने अपने अद्वितीय मित्र को खो दिया था। वर्षों बाद जब अर्जुन ने अपनी आंखों को बंद किए, वह आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ था। और एक दिन वह अपनी मन की गहराइयों से सुन पाया कि पुतला उसके साथ है हमेशा। इस रूप में अर्जुन ने अपनी आखिरी यात्रा पूरी की, परंतु उसकी आत्मा हमेशा अपने मित्र के साथ थी और उसकी कहानी गांव वालों के बीच बनी रही। सुनते समय का आभास हुआ, कैसी लगी कहानी?